Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दास, तुम और मंदिर में जरूर किसी के बुरे दिन आने वाले हैं। अरे मुखिया साहब, मजाक कर रहे हो। बिल्कुल, मुझे डर है कहीं तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हो। मैंने सोमवार तुमसे कहा कि आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस तरह पानी में मत भीगा करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। अरे डॉक्टर बाबू, तुम्हारे कहने से मैं नहीं मरने वाला। जब तक मेरी दुर्गा माँ नहीं चाहेगी, मुझे कुछ नहीं होता। अब तो मेरी सिर्फ एक इच्छा है, मायने की शादी हो जाए तो मैं तीर्थ यात्रा चला जाऊं। अरे ठाकुर, तेरे माने की शादी की मुहूर्त निकलवा देना। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे छोड़ो ना मानिक, जब तक मेरी बात नहीं सुनोगी नहीं छोड़ूंगा। कहो। ऐसे नहीं, इधर आओ। अरे छोड़ो ना।
ए लक्ष्मी, आखिर तुम मुझे कब तक तरसाती रहोगी? हाँ, तुम अकेले ही तरस रहे हो क्या? हाँ, तो ये बात है। ए लक्ष्मी, जानती हो जब से मैंने तुम्हें देखा है अपनी दुनिया को रंगीन सपनों से सजा रहा हूँ। सुना है जिस घर में लक्ष्मी आती है ना वो घर खुशियों से जगमगा उठता है। लक्ष्मी लक्ष्मी, मैं तुम्हारे प्यार के सहारे, मुझे यकीन है मैं ऐसा अनमोल मोती लाऊंगा जिसकी कीमत लाखों रुपए होगी। हाँ, और फिर उसे जो पैसे आएंगे ना, उन पैसों से एक मकान बनाएंगे, एक बड़ा बड़ा खूबसूरत सा मकान। और फिर वो जो अपने नन्हे मुन्ने होंगे ना, उसमें शर्माने की क्या बात है, वो तो होंगे। और फिर जो वो बड़े होंगे ना, तो उनकी शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि दुनिया देखेगी और कहेगी क्या कहेगी। तू भी तो कुछ कह ना। ए, मैं भी पागल हूँ। मेरी तरफ देखो, ए, देखो ना। क्या देख रहे हो? कुछ बोलना। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन ये तुम्हारा फूलों जैसा बदन, ये रस भरे होंठ और इन मद भरे नैनों ने सब कुछ बना दिया है। लक्ष्मी, जी चाहता है कि मैं तुम में समा जाऊं। ए जी, उठो ना। यार सरजू, इतनी सुबह सुबह उठा दिया। हाँ भाई, तेरा बस चले तो तू आज सुबह होने ही न दे, वहाँ गांव के सारे लोग जमा है। क्यों? अच्छा, तो ये भी भूल गया कि आज नारियल पूर्णिमा? अरे यार, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। तू चल, मैं तैयार होकर चल चल चल। अरे बाबा, जल्दी चलिए, देर हो रही है। अरे ये कटरी। अरे बेटे, उम्र गुजर गई संसार के कर्म करते हुए, अब कुछ धर्म का भी तो पालन करना चाहिए। मानिक बेटे, जब छोटा था तो मैंने एक मन्नत मानी थी, तू बड़ा हो जाए, तेरी शादी हो जाए तो मैं तीर्थ यात्रा चला जाऊं। आज भगवान ने मेरी सारी कामनाएं पूरी कर दी। तू बड़ा हो गया, तेरी शादी हो गई, लक्ष्मी घर में आ गई, तू मेरी जगह मुख्य बन गया।
आज तू पहली दफा मोती लेने जा रहा, वो भी मैं अपनी आंखों से देख लूंगा। इससे ज्यादा इंसान को और क्या चाहिए मेरे बच्चे? लेकिन बाबा कुछ दिन तो रुक जाइए ना। बेटे जीती बाबा तू ये सब कुछ संभाल ले, मैं ये रस्म खत्म हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। बेटे मैं अब नहीं रुक सकता। बाबा दो चार दिन तो और रुक जाइए ना। हाँ हाँ बाबा। नहीं बेटे शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए मेरे बच्चे, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। जैसी आपकी खुशी। लेकिन बाबा इस वक्त वहां चलिए ना, लोग इंतजार कर रहे हैं पूजा के लिए। अरे हाँ तू तो कपड़े बदल नहीं, चलती जाके जा जल्दी जा। चलो चलो चल चल। छोड़कर यार तीर्थ यात्रा को जा रहा। बेटे को समझा दिया है ना अच्छी तरह? क्या यही कि मोती का लेन देन सिवा मेरे और किसी के साथ ना करे? अरे वो तेरी मेरी दोस्ती को अच्छी तरह समझता है, और फिर वो कहां लाख दो लाख का मोती लेके आ जाएगा? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? क्यों? अरे वो अपना मुरली था ना जिसने 3.5 लाख का मोती पाया था, जो रातों रात मुरली से सेठ मुरलीधर बन बैठा था। जा जा। तुम भी? हाँ। अच्छा आज तुम लोग मोती निकालने जा रहे हो, भगवान की सच्ची रक्षा करें। जीते रहो।
स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका पति होता है,
जब वही चला जाए तो सब कुछ त्याग देना पड़ता है। हेलो, हेलो, क्या कर रही हो? कल तुम्ही ने इसे सजा बनाकर दुल्हन बनाया, इसके हाथों में मेहंदी रचाई, सेहरा बांधा, हाथों में चूड़ियां भरी, और इन्हीं चूड़ियों को तोड़ते वक्त तुम्हारा मन नहीं कांपा? उठ मेरे बच्चे, उठ, तो विधवा नहीं है, उठ। तेरा बेटा कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता, वो तो दूर से कहीं चला गया है, लौट आएगा। ये देखो ये मेहंदी, अभी तो इस मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा, ये फूल, ये सेहत के फूल भी तो नहीं मुरझाए। भगवान इतना बड़ा न्याय नहीं कर सकता। मेरा बेटा लौटेगा, जरूर लौटेगा, मैं उसे लेकर आऊंगा। चल चल मेरी बच्ची, चल था। पानी में ऑक्टोपस की वजह से सरकार ने मोती निकालने पर पाबंदी लगा दी है, अब हम क्या करेंगे काका? इतनी सी बात से परेशान हो गए यूसुफिया? मुझे देखो, मानक मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां छोड़ गया, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। भगवान पे भरोसा रखो, अगर सरकार ने मोती निकालना बंद कर दिया है, पाबंदी लगा दी, तो क्या होगा? हम मछलियां पकड़ने का धंधा करेंगे। मछलियां पकड़ने के लिए काका बड़े बड़े जाल चाहिए, बड़ी बड़ी किश्तियां चाहिए, इतने रुपए हम कहां से लाएंगे काका? मुझे मालूम था तुम लोग यही कहोगे, इसलिए मैं अपनी सारी जमा पूंजी और बहू के जेवर लेकर आया हूं। फिर भी अगर पैसों में कमी पड़ी तो मैं अपना मकान तुम लोगों के लिए बेच दूंगा। ये लो, जाकर बड़ी बड़ी किश्तियां खरीदो, बड़े बड़े जाल खरीदो, और जो मुसीबत तुम्हारे सामने आए उसे रोंगटे में निकल जाओ। लक्ष्मी को क्या हुआ? अरे रामू तो कह रहा था वो बेहोश हो गई है। बैठी कह रही थी उसका पांव भारी है। तो क्या हुआ? मेरा मानक से, अरे वही होठ, तो वही आंखें, वही नाक, मेरा मानक भी सही था। मेरा मानक आ गया। मैंने कहा था ना कि मैं उसे झूठ निकालूंगा, मैं ले आऊंगा मेरे मानक, मेरा मानक, मेरी लक्ष्मी। मेरा मानक आ गया, मैं कहता था ना कि ये लौट आएगा, मेरी लक्ष्मी, मेरी बच्ची। अरे बाबा, सारे गांव को मिठाई खिलाऊंगा, तुम क्यों घबराते हो? अरे बाबा, दुर्गा पूजा भी कराऊंगा और जो तुम कहोगे कराऊंगा। बिल्कुल नहीं, एक बात सुनो, बोलो ना। अगर जाकर लक्ष्मी के अंतिम दर्शन कर दो। लक्ष्मी,
मेरी पत्नी हो। बाबा अच्छा हुआ बाबा। मेरी एक इच्छा है, मेरा शरीर चिता पे नहीं रखना। पानी मैं बहा देना। मेरी पत्नी मुझे तो तू छोड़ जाएगी, किसे भी छोड़ तो चली जाएगी। जब ये बड़ी होगी तो मुझसे पूछेगी कि मेरी माँ कहाँ है, तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा लक्ष्मी, मैं इसे क्या जवाब दूंगा बाबा। हाँ, हाँ। इसे मेरे पास ये देख के जीने मेरी बच्ची देख, देख देख तेरी बच्ची देख। चले गए, जिसका जी चाहता है चला जाता है। ऐसे घर में कोई जोड़ा बड़ा तो है ही नहीं, ऐसे कोई जोड़ा बड़ा तो है ही नहीं। बस बस को मेरी बच्ची बस। मातरो मेरी बच्ची, तू रोएगी तो दादू काम कैसे करेगा, और काम नहीं करेगा तो तेरे लिए मिठाई कहाँ से आएगी, खिलौने कहाँ से आएंगे, हैं? मातरो मेरी बच्ची, मातरो। हाँ ऐसे।
में कभी आदमी बूढ़ा हो जाता है, हाथ पांव जवाब दे जाते हैं, दिल कमजोर हो जाता है। मालूम है आज तुम्हें हल्का सा दिल का दौरा पड़ा है, अगर तुम आराम करोगे तो ठीक हो जाओगे, वरना। अरे डॉक्टर बाबू, मैं तो ये सारा झमेला छोड़कर भगवान के पास जा रहा था, वो देखो मेरी गठरी पड़ी है, मगर क्या करूं, उसने एक ऐसी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी है कि अब तो 15-20 बरस वो चाहे तो भी मैं नहीं जा सकता। 20 बरस? अरे हाँ डॉक्टर बाबू, ये मेरी छोटी सी बिटिया है ना, जो रो रही है, अभी तो इसे पालना पोसना है, ये बड़ी होगी फिर बड़ी धूमधाम से तुम सबके सामने इसकी शादी रचाऊंगा। क्यों डाकू? ठीक ठीक ठीक। बाबू लगाम कहाँ है? अरे बेटे, लगाम इंसान को नहीं घोड़े को लगाई जाती है। अरे अच्छा भाई, जा दुर्गा लेके आ रस्सी भाई। तेरी दादी इसको लगाम नहीं लगा सकी तो लगवा दे बेटे। शाबाश। हाँ हाँ हाँ, लगवा ला भाई, ला जल्दी ला
चाहे कि उड़ जाओ, नील गगन में लहराओ, जी चाहे कि उड़ जाओ, नील गगन में लहराओ, या मौजों से टकरा के सागर पे बैठो जाओ, सारी दुनिया बस में कर लूं, सब कुछ हो मेरा। ले कितनी मछलियां पकड़ के लाई हूँ। अरे बेटे अब तू बड़ी हो गई है, घर में जाकर रोटी पकाना सी, ससुराल में मेरा नाक कटवाएगी क्या? शादी करता ही कौन है। चरणदास वो देखो अपना जहाज आ गया। अच्छा अच्छा मोती बेटा मोती, मैं यहाँ हूँ बापू। हाँ देख जैसे समझाया है वैसे ही करना। हाँ ठीक है ठीक है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। ये है श्री चरणदास जी, एक हाथ पांव में और दूसरा हाथ गर्दन पे। मेरे पास जरा नोट देखने की आदत है, जो मर्जी करवा ले। ये मेरा बेटा मोती है, अंग्रेजी सेवा करने में एकदम माहिर है। मैं आप लोगों की खिदमत के लिए से कपड़े भी वैसे पहना के लाया हूँ। आई आई चल चल बेटा मोती, वहां जाके सामान और मेमो को तो ले। चल चलिए आप लोग चलिए चल चल। हाँ 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 मेमो को उठाने का बड़ा शौक है, हम मर गए क्या? ताकि सामान ला। अच्छा चलिए चलिए चलिए। आइए आइए आओ सुमड़े हो मखनो मलाई हो, आओ आओ आइए आइए। बड़ा अच्छा रास्ता है। क्षमा क्षमा माफ करना, गलती हो गई। मैं आप दोनों को धोबी को दे दूंगा, मेरा मतलब है आपके कपड़े, आज मेरा पजामा पहन लेना। ये लोग यहाँ क्यों आए? मुखिया काका, जमींदार साहब ने यहाँ बुलाया है। ये सूर्य शक्ल से अच्छे लोग नहीं मालूम होते। अरे नहीं नहीं, ये साल लोग आए, बहुत अच्छे लोग हैं। तो अपना दोगला पन छोड़ दे, मालूम होता है कि जिम्मेदार ने मोतियों की लालच में यहाँ बुलाया है। अगर ऐसी बात है तो उनसे जाकर कह दे कि अगर उन्होंने गांव में ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू भी सुन ले, भाई होश में तो हो? क्या हुआ?
मैंने अभी अभी एक बला की हसीन लड़की देखी, ऐसा लगता है जैसे कोई जलपरी हो। वो जलपरी को और देखना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, आओ भी। अरे ये कहाँ गई? तुमने ठीक ही कहा था, जलपरी होगी इसलिए फिर से जल में गायब हो गई। अरे ये क्या हुआ? फट गया। मैं पूछती हूँ रूपा, अगर तुझे देखने से किसी को सुख मिलता है तो इसमें बुरा क्या है रे? अरे बाप रे, वो देख फिर चला आ रहा है। आने दे, मैं उसे नहीं मिलूंगी। क्यों? बस कह दिया नहीं मिलूंगी। अच्छा बाबा नहीं मिलना तो जा उधर छुप जा। नमस्ते। नमस्ते का जवाब नहीं दोगी? वाह, कला और रूप का इतना प्यारा संगम पहले कभी नहीं देखा। क्या नाम है तुम्हारा? सुंदरी? रूपा। सुनो, तुम रहती कहाँ? तालाब। तो फिर समंदर? मंदिर? अच्छा अच्छा समझ गया, समुंदर के किनारे तुम मंदिर के पास रहती हो। कल मिलोगी? कल भी तुम कुछ नहीं बोल रही थी और आज भी। क्या तुम बोल नहीं सकती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने जिसे लाखों में एक बनाया हो उस पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। क्या तुम सचमुच नहीं बोल सकती? नहीं। ओहो, अरे बसंत जी, क्या भाव दिया मछली? अरे मोती, ये क्या हुलिया बना रखा है? देख रही है मोती के ठाट? अब तेरा मोती वो मोती नहीं रहा। बड़े बड़े आदमी मेरे सारे पे नाचते हैं, अब तू मेरे सारे पे कब नाचेगी? कब होगी तेरी मेरी शादी? छी, शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? अरे शर्म आ तेरे बेशरम माँ को जो मुझे तुझसे नहीं मिलने देती। तुम जाओ ना, वो आ जाएगी। अच्छा करो, तुम पहले जाओ, मैं बाद में पीछे पीछे आता हूँ। उसके बाद तेरे घर चल के आराम से मीठी मीठी बातें करेंगे। जाओ ना बाबा, माँ आ जाएगी तो जान खा जाएगी। अरे आने दो, मैं तेरी पतली माँ से नहीं डरता, मैं उसको कुत्ते से कटवा दूंगा और बाद में खुद काटूंगा उसको। अरे मोती, तेरा सत्यानाश जाए मुझे कटवाएगा? नहीं नहीं नहीं, क्या लेने आया था यहाँ? मैं तो कह रहा था कि मच्छी काट के दो मुझे। मच्छी? मच्छी ये ले मच्छी और मर यहाँ से। कितने पैसे? पैसे निकाल। लीजिए लीजिए लीजिए। सत्यानाश जाए 2 रुपए ज्यादा ही दे गया, पीछे पड़ गया है मेरी बच्ची के। आने दो, मैं तुम्हारी पत्नी माँ से तंग आ गया हूँ, कोई तरकीब निकालो नहीं तो हम दोनों हमेशा के लिए कुंवारे रह जाएंगे। मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? ये मच्छी कौन लाए रे? मैं लाई माँ। अच्छा, तो खा चुकी क्या? हाँ माँ। माँ तुझे बहुत भूख लगी है ना, चल खाना खा ले। चल बसंती, बसंती मुझे यही खाना ला देना, बहुत थक गई हूँ, यही ला दे। देखिए मीठा मीठा।
रस गुल्ला भी है, लाइट का शरबत बना दे, और अंडे भी जरा दो चार तोड़ दे। हाँ वो बिहारी है ना, उसे मैं सवेरे मछली देकर आई थी, लेकिन पैसे लाना भूल गई। पैसे नहीं लाई? हाँ मान जल्दी मैं आती बसंती, मेरे को चला नहीं जा रहा, भूख बड़ी तेज लग रही है। बसंती तुझे क्या हो गया, माँ पे दया कर। बार बार बजा के उसका पानी में डालती थी, कितना मीठा मीठा। इतना जुकाम भी क्या हो रहा है मुझे। चुड़ा हो गया बेटी, तुझे क्यों ठीक रही है? हालत नहीं माँ। तू है आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुर्गा बना होता तेरे पर नोच के तुझे भून के खा जाऊंगा। छतिया ना जाए तेरा, हार गया, नहीं छोड़ूंगी आज, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब तू भाग नहीं सकता, तेरे से तेज भागती हूँ मैं, ये ले, अब बोल। हाँ, फाड़ दूंगी तेरे कपड़े, मजनू बना दूंगी तुझे, मेरी लड़की के पीछे मत आ, बोल कभी, बोल, तेरा छतिया ना जाए, अरे अरे भाग जा, चल जा, जाएगा कहाँ, अभी आ, अभी आ, अब तू नहीं भाग सकता, अब बोल। हाँ, तेरा छतिया ना जाए, सुरमा बना दूंगी हजी, मैं कहती हूँ बड़े बेचैन लगते हो, शाम को आ जाना, आज उसकी सालगिरह है समझे, चलो भागो यहां से, चलो। बचपन ला दे रे।
साल की खुशियां मुबारक हो। लगता है आपकी निगाहें मुझे ही तलाश कर रही हैं। तुम्हें? तुम इतने खूबसूरत नहीं हो। मैं ना सही, लेकिन तुम तो हो। मेरा रास्ता छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ूं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ, मगर ये सोच लो अगर तुम चिल्लाओगी तो बदनामी तुम्हारी होगी। मेरी बदनामी? क्यों? लोग ये कहेंगे इतनी बड़ी लड़की इतने बड़े लड़के के साथ यहाँ अकेले में क्या कर रही थी। अच्छा, तो फिर मैं नहीं चिल्लाऊंगी, लेकिन मुझे जाने तो दो। लेकिन एक शर्त। शर्त? जल्दी बोलो, कोई आ जाएगा। हाँ हाँ, ये लो। ये क्या? निशानी। काहे की? वो प्यार की। ओ, प्यार की? ये तो चोरी छुपे बाहर जा रहा था। अपने कमरे में माँ। मगर ये हालत क्या बना रखी है? हालत? वो बात ये है माँ, मैं जानना चाहता था वो लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, उनकी जिंदगी क्या है। तुम तो जानते हो माँ, मैं उन लोगों पे एक नॉवल लिख रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तू पगले का पगला ही रहा, इतनी बड़ी जमींदारी छोड़कर आखिर किस लिखने लिखाने के चक्कर में पड़ गया है। तुझे बांधने का बस एक ही तरीका है कि तेरे पिताजी से कहकर तेरी शादी कर देनी चाहिए। अरे वो ऐसा जुल्म मत करना, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरी अच्छी माँ। फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स, मोतीपुर का डाकू मोतियों के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। आज से बहुत पहले अक्टूपस की वजह से गवर्नमेंट ने वहां मोती निकालने पर पाबंदी लगा दी। मिस्टर एंडरसन, जो कि इस फन के माहिर हैं, इनका कहना है कि इस इलाके में अभी तक बेशुमार कीमती मोती मौजूद है। अगर हम लोग ये जगह खरीद कर जदीद और साइंटिफिक तरीके से मोती निकालने का काम शुरू कर दें
तो लाखों रुपए साल का फायदा हो सकता है। इसलिए हम लोग होटल के बहाने ये जगह खरीदना चाहते हैं। इट्स रियली ए ग्रेट आइडिया सर हरी सिंह। ये सिर्फ आइडिया नहीं बल्कि हमसे पूरा करना भी जानते हैं, इसीलिए हमने अपने बेटे विजय को वहां भेजा। लीजिए वो आ ही गया। आओ बेटे आओ। आप लोगों को ये सुनकर ताज्जुब होगा कि मेरा बेटा वहां सर हरी सिंह का बेटा बनकर रहे बल्कि एक मामूली बसेरा बंद कर रहा। गुड गुड वेरी गुड। बताओ बेटे उन लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? पिताजी वहां के लोग बहुत ही सीधे साधे लोग। फिर तो हम बड़ी आसानी से उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं। अगर उन्हें अच्छी कीमत दी जाए तो क्या वो लोग अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे? पैसा इतनी बड़ी ताकत है कि वो अपनी जमीनें तो क्या अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर इस कामयाबी का सिरा तुम्हारे सर होना चाहिए विजय। जाओ और जमीनों को सौदा करो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर विजय? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मिलियंस। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आप ये होटल कहीं और भी तो बना सकते हैं। विजय हमने तुम्हें वहां जमीनों के सौदे के लिए भेजा, उनकी तरफदारी के लिए नहीं। मैं ऐसे सौदे में आपका साथ नहीं दे सकता जो मेरे दिल और जमीन के खिलाफ। विजय तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम अपनी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते। मैं जानता हूं लेकिन चंद लोगों की ऐशो इशरत के लिए हजारों आदमियों को बेघर कर देना एक बहुत बड़ा न्याय है और मैं इस न्याय में आपका साथ नहीं देता। क्या बात है? मैं जा रहा हूं। यहाँ रहकर मैं अपना जमीर नहीं बेच सकता। तुम्हें बताऊंगा इंसान को खुश रहने के लिए कितने रुपए चाहिए? क्या हमारे पास रुपए की कमी है जो पिताजी और रुपया कमाने के लिए उन लोगों की बातों में आकर गरीबों को घर से बेघर बनाने पे चले हुए हैं? ना जाने तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है। पहले तो वे ऐसे न थे, जब से ये लोग यहाँ आए घर में अशांति आ गई है। आज आप लोग मोतियों की तलाश में जा रहे हैं? यू आर वेलकम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू। की वजह से एक आदमी की जान चली गई।
इतने बड़े खजाने के लिए एक आदमी की जान चली गई तो क्या हुआ? इस दुनिया में सिर्फ दो रोटी के लिए सुबह से शाम तक कितने इंसान मरते हैं। और फिर हमने तो गवर्नमेंट से मोती निकालने की पाबंदी भी हटवा ली। जी, तुम एक ऐसे आदमी का इंतजाम करो जो जमीनें खरीदने में हमारी मदद करे। बॉयस गो अहेड। अपने जमींदार साहब जयराम जी जयराम जी की सरकार। हुजूर यही चरणदास है, बहुत ही काम का आदमी। चाय पियोगे? नहीं सरकार, चाय वाम। देखो हम तुम्हारे सुपुर्द काम करना चाहते। सरकार नाम चरणदास है, चरणों का दास समझिए। कहिए क्या सेवा? पहले तो हमें तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। ये लो। ये लो अब। बस 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 सरकार, मुझे पैदल जाना है, ज्यादा बोझ न ला दिए। कहिए क्या सेवा? देखो तुम अपनी बस्ती के लोगों को समझा कर उन्हें अपनी जमीनें बेचने पर आमादा करो। हम बहुत अच्छी कीमत। नहीं सरकार, ये काम आसान नहीं है। उन्हें समझाने के लिए मुझ जैसे आदमी की अक्ल की जरूरत है। और फिर ये रुपए की झलक है ना, ये अगर मैं दिखला के आपको समझाना शुरू कर दूं ना, तो आप भी अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनकी क्या गिनती है? आदमी तो बहुत समझदार मालूम होते हैं। चरणों का दास समझिए, चरणों का दास सरकार। अच्छा चलो मैं। तुम ऐसे खड़े रहो, अपने आप चला जाएगा। सहमी सहमी कहाँ चली, छोड़ के दिल वालों की गली। कब तक आंख चुराएगी, कभी न कभी तो फंसेगी मेरे जाल में। ओ कभी न कभी तो फंसेगी मेरे जाल में। ओ सहमी सहमी कहाँ चली, छोड़ के दिल वालों की गली। कब तक आंख चुराएगी, कभी न कभी तो फंसेगी मेरे जाल में। बोल कभी न कभी तो फंसेगी मेरे जाल में। ये अल्हड़पन, तौबा तौबा ये चितवन। आंखों में शोले नाचे, जुल्फों में खेले सावन। हाय तेरा ये अल्हड़पन, तौबा तौबा ये चितवन। आंखों में शोले नाचे, जुल्फों में खेले सावन। फिर कर आ बरस भी जा, कब तक यूं तरसाएगी। कभी न कभी तो फंसेगी मेरे जाल में। ओए कभी न कभी तो फंसेगी मेरे जाल में। ओ सहमी सहमी कहाँ चली, छोड़ के दिल वालों की गली। कब तक आंख चुराएगी, कभी न
ना कभी तो फंसेगी मेरे जाल में, ओए कभी ना कभी तो फंसेगी मेरे जाल में। बादल कहती है हर अंगड़ाई साथ हमें भी लेती चल, नई जवानी की हलचल जैसे बिन बरसा बादल, कहती है हर अंगड़ाई साथ हमें भी लेती चल, आंख मिला मान भी जा कब तक हाथ ना आएगी, कभी न कभी तो फंसेगी मेरे जाल में, ओए कभी न कभी तो फंसेगी मेरे जाल में, ओ सहमी सहमी कहाँ चली छोड़ के दिल वालों की गली, कब तक आंख चुराएगी, कभी न कभी तो फंसेगी मेरे जाल में, ओए कभी न कभी तो फंसेगी मेरे जाल में, ओ सहमी सहमी कहाँ चली। आप लोगों को यहाँ से मोती निकालने का कोई हक नहीं। तुम कौन होते हो रोकने वाले? ये भी बताना पड़ेगा। Thank you.
लगा अंगूठा, बहुत तकदीर वाले हो, लक्ष्मी खुद चल के तुम्हारे घर आई। देखो तुम्हारी जमीन 10,200 की है ना, ये लो 10 और ये 1 और ये 2। अब तुम भी आओ। शाबाश। अरे अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या कर रहा हूँ? यहाँ के बच्चे खबरदार, जो फिर कभी किसी से जमीन लिखवाने की कोशिश की तो क्या क्या हो गया है आप लोगों? रुपए के लालच में आकर आप लोग अपनी जमीनें बेचने पर उतर आए। वो जमीनें जो सदियों से आपको अपने सिरे का दूध पिलाती आई हैं, ये रुपए आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जमीनें हमेशा आपका साथ देंगी। हाँ हाँ हाँ, मैं कहता हूँ तुम कौन हो तो इन्हें रोकने वाले? बहुत से लोग हैं, पैसा ले चुके हैं, जमीनें बेच चुके हैं। तो क्या हुआ? कहते रविदास जी से कि मैं उनके ये नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। पिताजी? हाँ पिताजी, मैं जमींदार सर हरि सिंह का बेटा हूँ, समझे? रूपा, रूपा, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। क्यों? इस तरह करीबी का ढोंग रचाकर मुझे धोखा क्यों देते रहे? लेकिन मैंने ये किसी बुरी नीयत से नहीं किया था रूपा, मैं तो यहाँ के लोगों की जिंदगी, उनके रहन सहन को करीब से देखना चाहता था। पहले तो सभी ऐसी बातें करते हैं, और जब किसी का दामन आंसुओं से भर जाता है तो वो अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मुझे गलत मत समझो रूपा, मैं सच कहता हूँ। हमारा निभाव हो ही नहीं सकता, तुम इतने बड़े जमींदार के बेटे हो और मैं एक गरीब लड़की। रूपा, ये अमीरी गरीबी सब एक ढोंग है, वरना तुम्हें और मुझमें क्या फर्क है? वही आंखें, वही होंठ, वही चेहरा। मुझमें ऐसा क्या है? तुम्हें तो शहर में मुझसे भी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। तुम जानती हो जिस हवेली में मैं रहता हूँ वह हवेली पत्थर की बनी हुई है, इसीलिए वहां के लोग भी पत्थर के हो गए हैं। लेकिन तुमने देखा होगा कभी कभी बरसात में जब पत्थरों के बीच फूल उगाते हैं तो ऐसा लगता है कि पत्थरों में जान आ गई हो। तुम भी मेरे लिए उन्हीं फूलों की मानिंद हो रूपा। ए हुस्न बेखबर, तुझे तकने को एक नजर, झुकता तो होगा रोज तेरे घर पे महता। ए जान चमन, ए जान चमन, तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी, कयामत तेरा शबाब। ए जाने चमन, तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी, कयामत तेरा शबाब। ए जाने चमन, मल मल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा, मल मल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा, डर है कहीं ये पानी भी बन जाए ना शराब। ए जाने चमन, तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, जालिम तेरी जवानी, कयामत तेरा शबाब। ए जाने चमन,
बागों के आस पास भी जाना न भूल के मोगा भरी बहार में फूलों का जी खराब ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब ऐ जाने चमन बनाने वाला भी सौ कोशिशें करे तुझको बनाने वाला भी सौ कोशिशें करे ला ना सकेगा ढूंढ के तेरा कोई जवाब ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब ऐ जाने चमन कहाँ भाग रही है क्या अब भी हमारे रास्ते अलग अलग है आज तुम्हें पाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जन्म जन्म की प्यास बुझ गई हो क्या पता हमें युग युग से एक दूसरे का इंतजार हो सुना है एक जन्म के बिछड़े दूसरे जन्म में जरूर मिलते हैं अब तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो तुम्हें और करीब लाने के लिए विजय तुम्हारा इस तरह यहाँ आना हमारा एक दूसरे से मिलना बिल्कुल एक ख्वाब सा मालूम होता है इसे ख्वाब मत कहो रूपा सुनते हैं ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है नाना लड़की समझ कर बहकाने आया है हट जा तू परे अरे मैं तेरा खून पी जाऊंगा मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर देखने की तुझे हिम्मत कैसे हुई बोल जवाब दे बोलता क्यों नहीं बोल बोल अगर फिर तू यहां आया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा जाओ यहां से जाओ Thank you.
बता तू। मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं। पहले जाने लगा था, तेरे बाप ने रोक लिया। दोबारा जाना चाहा तो तेरी मां तुझे सौंप गई। अब तू बड़ी हो गई है, समझदार है, अपना अच्छा बुरा खुद समझने लगी है। मेरी यहां क्या जरूरत है? हमारे यहां की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां की हर चीज पवित्र है। हमारे यहां की लड़कियां बगैर रोक टोक जहां चाहें हंसती खेलती हैं, इसलिए कि हमें एक दूसरे पर विश्वास है। ऐसा लगता है कि मेरे पालने पोसने में कोई कमी रह गई है। आज तेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद तू ऐसा न करती। ठाकुर से कह देना गोकुल चला गया। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी दादू, नहीं जाने दूंगी। मुझे माफ कर दो दादू, मैं फिर ऐसा काम कभी नहीं करूंगी जिससे तुम्हारा दिल दुखे। बस एक बार माफ कर दो दादू, एक बार। रूपा, कल रात दादू इतने गुस्से में थे कि मैं कुछ नहीं कह सका। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। दादू घर में नहीं है। रूपा, रूपा, तो क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? मैं तुम्हें कैसे समझा विजय? मेरी हालत उस मछली की तरह है जिसे पानी से निकाल कर फेंक दिया गया है। तो फिर तुम उसे बात क्यों नहीं करती? मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे दादू को दुख पहुंचे। तो क्या दादू ही तुम्हारे लिए सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं? नहीं, तुम मेरी आत्मा हो और दादू मेरे भगवान। रूपा, रूपा दरवाजा खोलो। रूपा मुझे तुमसे बात करें। रूपा दरवाजा खोलो। रूपा तुम्हें मेरी कसम। नहीं नहीं, मुझे अपनी कसम मत दो। ठीक, अगर तुम भी यही चाहती तो मैं आज ही गांव छोड़ के चलूंगा। किस सोच पे पड़ गए गोकुल? शय बचाओ शय। दादू मैं आज ही ये गांव छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हारी चाल, तो मैं क्या करूं? जाने से पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार मैं हूं, रूपा नहीं। मैंने उसे प्यार किया लेकिन किसी बुरी नीयत से नहीं। मैं उसे शादी करना चाहता था और मैं समझता हूं प्यार करना कोई पाप नहीं। अगर है तो इसकी सजा मुझे दीजिए, रूपा को नहीं। वो बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष। तुम्हारी चाल, मैं सिर्फ इतना कहने आया था। सुनो, जितनी अच्छी बातें तुमने की हैं, अगर उतना ही अच्छा तुम्हारा दिल है तो ये शादी हो सकती है। दुर्गा माता के सामने तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे माता पिता? लेकिन इसकी क्या जरूरत है? शादी के लिए मैं तैयार हूं। नहीं बेटा,
बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना हमारे यहाँ शादी ब्याह नहीं होती, ये हमारी सभ्यता है। अच्छा ठाकुर ठाकुर, ये तुमने क्या किया? तुम समझते क्यों नहीं गोकुल, कितना अच्छा लड़का है। और आज तो मुझे ऐसे लगा जैसे माँ की भी यही इच्छा है। माँ की यही इच्छा है, माँ की यही इच्छा है, तो माँ की इच्छा पूरी होगी, माँ की इच्छा पूरी होगी। सरकार सारे फसाद की जड़ गोकुल है। गोकुल गांव का मुखिया है, लोग उससे डरते हैं। उसकी एक जवान पोती है सरकार, वो आजकल जमीन से 1.25 फुट ऊंचा होकर चलती है। चरणदास को चरणों का दास समझिए सरकार। मैं आज तुझे बतलाने की हिम्मत कर रहा हूँ कि उस लड़की ने अपने विजय बाबू को लट्टू बना के रखा है, एकदम लट्टू बना के। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि गोकुल ने अपने छोटे सरकार को जवाई बनने पर भी रजामंद कर लिया है। सरकार मैं तो लुट गया, मेरे किए गराए पे पानी फिर गया, सारी मेहनत बेकार हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से गांव वालों को समझा बुझा के उन्हें जमीनें बेचने पर रजामंद कर लिया था सरकार, लेकिन छोटे पिताजी आ गए। तुम मुझसे बिना मिले वहां चले, मालूम होता है कि तुम्हें वो जगह बहुत पसंद है जी। वहां के लोग भी बहुत अच्छे, इसीलिए हम वहां होटल खोलना चाहते हैं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या ये सच है कि वहां तुम्हें एक लड़की से? जी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ पिताजी। शादी? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी। तुम होश में हो बेटे? क्या मैंने पैसे दिए वहां भेजा था? केवल झूठे नंगे और नीच लोगों से हमारी इज्जत का सौदा करो पिताजी। आप उनकी सादगी को नंगा, उनकी सच्चाई को जहालत और उनके आदर्श को निष्ठा कहकर क्या आप इंसानियत का अपमान नहीं कर रहे पिताजी? सुनो विजय, सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन वो लड़की इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। सिर्फ इसलिए पिताजी कि वो लोग गरीब है। क्या गरीब होना जुर्म है पिताजी? चुप रहो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो यहाँ के असूलों पर चलना होगा, वरना हो गया है आपको? जवान बेटे से कोई इस तरह बातें करता है? आप तो यूं कह रहे थे जैसे वो रहे या जाए आपको कोई परवाह ही नहीं। तुम नहीं जानती, यह मेरी लाखों रुपए की स्कीम खाक में मिला देना चाहता। अभी उसकी उम्र ही क्या है? जवानी का जोश है, तुम्हारे ही तो लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा। जानती एक भिखारी मछेरे की लड़की से शादी कर हमारी इज्जत और शान शौकत को मिट्टी में मिला देना चाहता। आप तो हर चीज दौलत की तरह ऊपर तोलते हैं, मगर आप ये नहीं जानते कि ममता प्यार से बोली जाती है। वो हमारा इकलौता बेटा है, अगर वो कहीं चला गया तो। जहां मेरी इज्जत का सवाल है मैं किसी की परवाह नहीं करता। तो फिर सुन लीजिए कि अगर वो चला गया तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। आप रहिए इस महल अपनी छोटी इज्जत शान शौकत और दौलत के साथ अकेले। जमींदार साहब हरि सिंह ने तुम्हारे लिए बग्घी भेजी। मेरे लिए बग्घी? अरे हाँ, वो विजय आशीर्वाद लेने गया था, मेरे ख्याल से शादी की बात करने बुलाया होगा मुझे। हाँ, शादी की बातचीत के लिए बुलाया। अरे बसंती, अरे बेटी मेरा टोपा कहाँ है? टोपा दादू, ये टोपा। अरे मेरी चप्पल, चप्पल कहाँ है? तुझे मेरे कहाँ है दादू, ये तो मेरी चप्पल। अरे क्या बुरा हो गया हूँ मैं भी। आओ मेरे साथ चलो। चलो भाई चलो। दादू समझी बनने वाले हो ना, इसीलिए बग्घी भेज कर बुलाया होगा। और सुनो दादू, लड़की वाले हो बिल्कुल अकड़ के बात मत करना, जो भी कहे बस खा करके चले आना। अरे तू
के जैसे मकूंगा, मुझे मंजूर है। मिठाई लाना मत भूलना। इंसान की औकात का अंदाजा उसके लिबास से लगाते हैं। मैं तो समझता था कि इंसान की औकात का अंदाजा उसकी शराफत से लगाया जाता है, उसकी इंसानियत से लगाया जाता है। तुम जैसे भूखे नंगे लोग इन्हीं बातों से अपना दिल बहला लेते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। आज की दुनिया में इंसान की इज्जत और औकात को सिर्फ दौलत से तोला जाता है। इस लिहाज से तुम्हारे और हमारे दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क आप लोगों के बनाए हुए हैं जमींदार साहब, वरना मरने के बाद आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहता। आपके और मेरे शरीर को चिता पर रख दिया जाए तो चिता की आग अमीर समझ कर आपको माफ नहीं कर देगी, बल्कि मेरी तरह जला कर राख कर देगी। जो खुद अपनी हद से पढ़ने की कोशिश ना करो, तुम जैसे लोगों की बेटी इस घर में नौकरानी बनकर आ सकती है, आया बनकर आ सकती है, बर्तन धोने आ सकती है, लेकिन इस घर की बहू बनकर नहीं आ सकती। जिम्मेदार साहब, आपके यहाँ किस किस्म की लड़की बहू बनकर आ सकती है? जो हैसियत दौलत और इज्जत में हमारे बराबर हो, जो हमारे रस्म रिवाज के मुताबिक दान दहेज दे, हमारे यहाँ सिर्फ 7,00,000 रुपए का होता है, तो 3-4 लाख से कम क्या होगा? तो क्या रूपा की शादी नहीं होगी? अगर ये सब कुछ मैं कर दूं तो? क्या? मैंने कहा अगर ये सब कुछ मैं कर दूं तो? इतना बड़ा मजाक हमारी जिंदगी में किसी ने नहीं किया। वो कुछ अगर तुम ऐसा कर सके तो हम वचन देते हैं कि विजय की शादी तुम्हारी पोती से होगी, और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो तुम्हें भी वचन देना होगा कि विजय के जाने पर भी तुम उसकी शादी अपनी पोती से नहीं होने दो। मुझे मंजूर। सुनो, हम तुम्हें 2 महीने का वक्त देते हैं, 15 जून शाम के 7 बजे तक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हुजूर, ये आपने क्या किया? तुम नहीं समझते, ये बूढ़ा गोकुल खुद अपने जाल में फंस गया है, ना ये सब कुछ कर सकेगा ना विजय से शादी होगी। लेकिन अगर कहीं ये किदार, सूरज रात को नहीं निकलता, समझे? गोकुल, मैं फिर तुमसे कहता हूँ, जानबूझ के क्यों मौसम में चले जा रहे हो? जानते हो वो जगह कितनी खतरनाक है? ठाकुर, इंसान सिर्फ एक बार मरता है, तुम तो जानते हो कि रूपा की खुशी मेरी जिंदगी है।
अगर मैं उसे ये खुशी न दे सका तो मेरी जिंदगी किस काम की। लेकिन तुम दिल के मरीज हो, डॉक्टर ने तुम्हें पानी के अंदर जाने से मना कर रखा है, तुम सोचते क्यों नहीं? जहाँ इतने कीमती मोती मिलते हैं वहाँ तो ऐसे खतरनाक जानवर है कि जो भी वहाँ गया आज तक वापस नहीं लौटा। मत जाओ गोकुल, मत जाओ मेरी माँ। जानता हूँ ठाकर, राम की लीला बड़ी विचित्र है, होनी होती रहती है, इंसान वो है जो उसका मुकाबला करता रहे। ठाकुर, मेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, मेरा इलाज तो उसके पास है जिसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। जब तक ये जिम्मेदारी पूरी ना कर लूं मैं मर नहीं सकता। पेन हाजिर है। वक्त क्या हुआ? 7:05 बाकी हैं। हमने 7 बजे तक इंतजार करने का वादा किया।
सात, अब कितने मिनट बाकी है? एक डेढ़ मिनट बाकी है हुजूर। खोलो शैंपेन। मैंने कहा था ना कि सूरज रात को नहीं निकलता। सूरज कभी कभी रात को भी निकल आता है जमींदार साहब। मैं आ गया। मैंने अपना वचन पूरा कर दिया है। अब आप बाहर चलकर देख लीजिए। आइए आइए वीर जमींदार साहब, आइए। जमींदार साहब, आज अगर आप बैठने के लिए नहीं भी कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। इसलिए कि आज ये मेरा लिबास, इज्जत, दौलत, औकात आपके नौकरों के बराबर नहीं बल्कि आपके बराबर। मेहरबानी करके शादी की तारीख पक्की कर दीजिए। आपने वचन दिया है तो हर्ज ही क्या है? बेटा, कौन छू? जी तो बेटा, जी तो। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पहले जमींदार साहब। लीजिए। ले लीजिए ना। लीजिए ना। आज कौन सी पक्की की जाए? आप ही लोग तय कर लीजिए। मैंने पंडित जी से पूछा था, उन्होंने कहा कि आते महीने की 10 तारीख बड़ा ही शुभ दिन है। यह तो बड़ा ही अच्छा है। क्यों जी, आप भी कुछ बोलिए ना। ठाकुर, गोकुल, माँ की दया से मेरा सब कुछ ठीक हो गया। ये लो, माँ के लिए भेंट। जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया। अरे आओ चरणदास, कैसे हो? मैं कहता हूँ मोती का मिला काका, तुम्हारे तो दुनिया बदल गई। सुनो, ये सब कुछ खरीदा है ना, है? तो इसे ऊट पटांग तरीके से क्यों रखा? अरे खरीदा किसने है? लोग आते हैं और छोड़ जाते। आज मालूम पड़ा कि इंसान से ज्यादा पैसे की कीमत है। अगर मेरे जैसा आदमी जाकर ये चीजें खरीदता तो कोई देता? हम सब छोड़ गए, कहते हैं जब पैसे मन में आए तब दे देना। ठीक है ठीक है, छोड़ गए हैं काका, तो इसे अच्छी तरह बरतना भी तो सीखो। तुम ऐसा करो, तुम वहां बैठ जाओ, मैं सब सामान सलीके से लगा देता हूँ। अच्छा लगा, लगाओ ठीक तरह लगा। अच्छा तुम बैठो। मोती, अरे मोती, मोती माई सोन। बाबू देखो, हर वक्त बड़ों को पैर छूने की जरूरत नहीं हुआ करती। आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे घुटना फूटे आंख, अपने मुखिया काका का मकान है ना, इसे लोगों ने कबाड़े की दुकान बना रखा है। चल जरा सामान को अच्छी तरह लगा दे। चल इधर नहीं, इधर चल, इधर का रंगीन जोड़ा पहनकर मेरा इंतजार करोगी। फिर मैं आऊंगा, तुम शर्माओगी और शर्म के मारे जवानी का सारा रस तुम्हारे चेहरे पर उतर आएगा। फिर सुहाग रात होगी,
सुहागरात? सुहागरात क्या होती है? दो दिलों के मिलाप की पहली रात को सुहागरात कहते हैं। लेकिन हमारे दिलों का मिलाप तो बहुत पहला हो चुका है। वैसे नहीं, वो तुम कुछ भी समझती नहीं हो। तो फिर तुम समझाऊंगा। सुहागरात, सुहागरात के दिन, मेरा मतलब सुहागरात की रात, सुहागरात यानी, मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम वसंती से पूछ लो। अच्छा, मैं वसंती से पूछूंगी। लेकिन उसकी भी शादी नहीं हुई, वो क्या बताएगी? देखो रूपा, जिस रोज तुम दुल्हन बनोगी, तुम्हारी बारात आएगी, उस दिन तुम खुद ब खुद समझ जाओगी, समझी? बारात आ जा, आ जा राजा लेके बारात।
गोकुल, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। मैं तुम्हारे घर से आ रहा हूं। ये लो अपना मोती, अपने पास रखो। तो क्या मोती का सौदा नहीं हुआ सेठ चुन्नीलाल? तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अभी शहर से अपने एक जौहरी दोस्त सेठ हीरालाल से मिलकर आ रहा हूं। उनके आते ही तुम्हें इसकी वाजिबी कीमत मिल जाएगी। लेकिन वो, अरे भाई, नए मकान और शगुन का इंतजाम तो मैंने कर ही दिया है, रहा दान दहेज का, वो भी हो जाएगा। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा सेठ चुन्नीलाल? दोस्ती में एहसान काहे का? अरे ठाकुर, तुम बाजार में एक और अच्छी चीज मिल गई थी, मैंने कहा बिटिया के लिए ले जाओ। देखो अरे रूपा, ओ रूपा। अरे भाई, रूपा बसंती के घर चली गई। हाँ, बसंती के घर आज कीर्तन है, कही गई है रात भर वही रहेगी। रात भर वहीं रहे? इतने में घबरा गए कोकुन? अरे जब वो ससुराल चली जाएगी फिर क्या करोगे? बेटी पराया धन होती है, उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। अच्छा मैं चला। काका, खाना खाना तुमने बनाया है? नहीं, रूपा बेटियां बना दी। इतने में घबरा गए कोकुन?
अरे जब ससुराल चली जाएगी फिर क्या करोगे? बेटी परायगन होती है, उसे एक न एक दिन जाना है। इसीलिए तो सर्दी लग जाती है और दिन भर खांसते रहते हो। एक दिन घर में नहीं थी तो क्या हालत बना ली अपनी। चलो दादू उठो ना। तू आगे गोकुल के घर गया था, कुछ भी करो और जिस तरह भी हो उसका उठा हुआ सर हमेशा के लिए झुका दो। अरे गौरी क्यों थी, देख के नहीं चलते, शर्म नहीं आती? आती है लेकिन आज तो मैं मनवा के ही रहूंगा। ये बताओ कब सुनवाओगी? शहनाई 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 जब जी चाहे बचवा लेना। सच माँ तुमने मुझे बुलाया? हाँ क्यों? जरा देख तो सही इन साड़ियों में तुझे कौन कौन से रंग पसंद है। मुझे? हाँ जो तुझे पसंद होंगे वही तो उसे पसंद होंगे। नहीं माँ जो तुम्हें पसंद होंगे वही उसे पसंद। मानिक ओह मानिक तुझे सुनकर खुशी होगी मेरे बच्चे कि रूपा की शादी बड़ी धूमधाम से हो रही है। आज तू होता तो कितना खुश होता, मगर तू भी मुझे छोड़कर चला गया और लक्ष्मी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। बेटे तुम लोगों ने मुझे कितना दुख दिया है, मगर अब भगवान की दया से सब ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया है मेरे बच्चे। Thank you.
कहा व्यक्ति चाबी 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 चाबी। अरे लगता कहां हूं ढूंढता कहां हूं। लेकिन गोकुल को आप पर या मुझ पर ही शक होगा। अगर अगर कहीं उसने पुलिस में खबर कर दी तो क्या होगा? पुलिस? हाँ? तुम इसे कहीं छुपा दो, गहरे पानी में फेंक दो। अच्छा अच्छा अच्छा। याद है वो शगन पे एक हाथी लाया था, हम कम से कम 25-30 हाथी ले जाना चाहते हैं। मैं समझ गया सरकार। ऐसी बारात होनी चाहिए गोकुल, तो क्या सारा गांव याद रखे कि सर हरी सिंह से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता। दुर्गा माई की सौगंध खा के कहता हूँ कि रूपा की शादी से जितने भी रुपए बचेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, और मुझे रुपए पैसा रखकर करना भी क्या है, मैं तो पहले ये संसार छोड़कर तीर्थ यात्रा जाना चाहता था। अरे मुझ पर नहीं, मेरी बच्ची पर इसका, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी बच्ची का सुहाग मुझे दे। अरे काका काका होश की दवा करो, ये तो अच्छा मैं तुम्हारा अपना आदमी हूँ, गाँव में किसी और ने सुन लिया तो जानते हो क्या होगा, लोग तुम्हें चोर समझेंगे, बेईमान समझ के दहेज जितना दिया सब का सब वापस ले जाएंगे, रूपा की शादी रुक जाएगी और तुम्हारा मुंह सदा के लिए काला हो जाएगा। जाओ घर में जाओ, ढूंढो मोती, तुम्हारा वहीं कहीं होगा। चलो चलो चलो। अब वही होगा कहीं, वही होगा। Thank you.
गोकुल, परेशान क्यों हो? मालूम नहीं कुछ तबीयत घबरा रही है मेरी। ठाकुर तू ही संभाल ले सब कुछ। घबराओ नहीं काका, बारात गांव के बाहर पहुंच गई है। चलो फिर ठीक है चलो मिलने। ठहरो गोकुल, इससे पहले कि हमारा सामान दहेज में चला जाए हमारा हिसाब चुकता कर दो। मुझे अपने जेवरात के रुपया भी चाहिए और मेरे कपड़ों का हिसाब भी इसी वक्त चुका दो। अगर आप लोग तो जानते हैं मोती अभी तक नहीं बिका, हिसाब कैसे चुकाया जा सकता? अजी हमने तो सुना है कि इसके पास मोती ही नहीं। हाँ गोकुल, सब लोग यही कह रहे हैं। अच्छा हुआ सेठ हीरालाल शहर से आ गए, ये रुपए लेकर आए हैं। मोती का सौदा कर लो और इन सब के मुंह बंद कर दो। अरे ना सब, सब। जाओ जल्दी मोती ले आओ। अरे समधी आए हुए हैं, बारात गांव में आ चुकी है, शादी की और भी तैयारियां करनी है। जाओ अंदर जाओ। अरे तुम सोच क्या रहे हो? जाओ जल्दी मोती ले आओ। अरे चूनी लाल जी, काहे को अंधेरे में लट मार रहे हो? अरे मोती हो तो लाया जाए ना। क्या बकते हो, मोती मैंने अपनी आंखों से देखा है। जाओ। जाते क्यों नहीं गोकुल? ये तुम्हारी और रूपा की ही नहीं बल्कि सारी बस्ती की इज्जत का सवाल है। मोती चोरी हो गया। चोरी हो गया? इसका मतलब यह है कि तुम हमें जानबूझकर धोखा देते रहे। मैं तुम्हें देवता स्वरूप समझता था गोकुल, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? शगुन के रुपए दिए, दहेज की सारी जिम्मेदारी ली और तुमने मेरे साथ ये सुलूक किया। बेईमान, तेरे जैसे आदमी को चौराहे पे खड़ा करके पत्थर बरसाने चाहिए और बस्ती के बच्चे बच्चे से कहना चाहिए कि तुम्हारे मुंह पर थूके ताकि बस्ती में फिर दोबारा कोई ऐसी हरकत न करे। कमीने दलील, तुम बर कहीं जाकर कमीने, देख लिया अपनी औकात में न रहने का अंजाम। टूटी फूटी किश्ती होकर चलेगा समंदर से मुकाबला। किदार महाराज वापस ले चलो। ये शादी नहीं होगी। ये शादी जरूर होगी पिताजी। विजय, गोकुल ने हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए सब लोगों को धोखा देकर ये दहेज का सामान इकट्ठा किया। पिताजी इसने क्या किया है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे आज मालूम हुआ आप यहाँ शादी करने नहीं बल्कि मुझे बेचकर दुल्हन खरीदने आए थे। लोगों को यह बताने आए थे कि आप कितने बड़े, कितने दौलतमंद, कितनी शान शौकत के मालिक। लेकिन पिताजी, इंसान की बड़ाई और शान शौकत किसी की इज्जत लेने में नहीं बल्कि किसी को इज्जत देने में होती है। बारात रहे या जाए लेकिन ये शादी जरूर होगी। नहीं विजय, तुम अगर चाहोगे भी तो ये शादी नहीं होगी। गोकुल, तुम्हें अपना वादा याद है? नहीं याद है। मैं अपना वचन पूरा न कर सका मेरे बच्चे, इसलिए ये शादी नहीं होगी। अजी देखते क्या है, उतार लीजिए जेवर। खड़िए आप लोग, बाहर जाइए, आपकी एक एक चीज वापस मिल जाएगी। जाइए आप लोग। सुना नहीं? ये जेवर उतार दो रूपा। अपने कर्तव्य और तेरी दया पर सदा विश्वास रहा है माँ, लेकिन आज हार गया हूँ, थक गया हूँ, अब साथ नहीं जाता माँ। अब तो मेरे लिए सिर्फ
एक ही रास्ता रह गया है, क्षमा कर देता माँ, क्षमा कर जाती। अरे गोकुल ने पानी में छलांग लगाया, हमने अपनी जान दे दी। दादू ठाकुर, ठाकुर ये देख, तेरे मानिक ने अपनी बेटी की शादी के लिए मोती दिया है। मानिक ने? अरे हाँ हाँ, उसने अपने हाथ से दिया है। देख कितना बड़ा है, ये तो उससे भी बड़ा है। ये लो,
चुनीलाल, जिसका जो कुछ निकलता है अपने हाथों से दे दो। जिम्मेदार जी, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, माँ की यही इच्छा होगी। अब तो मेरी सिर्फ एक विनती है, मुझे मुक्ति दे दीजिए। अब भी आप नहीं समझे, अनमोल मोती वो नहीं, अनमोल मोती है इंसान की इंसानियत, इंसान की सच्चाई और इंसान की ईमानदारी, जैसे गोकुल। हमें माफ कर दो गोकुल। क्या मार ही डालोगे? सुखी रहो मेरे बच्चों, सुखी रहो। दादू, सिगट्री। हाँ बेटी, आज मैंने अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर दी, तो ससुराल जा रही है और मैं भगवान के चरणों में जा रहा हूँ।